हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल यस जय हिंदी रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता, बेहद ही चटपटा, बहुत मज़ेदार। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर हमारा आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस ऑन कर दिया है और डाल दिया है 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी के साथ में हमने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी चुटकी भर हींग, और फिर नमक डाल दिया हमने टेस्ट के अनुसार। तो एकदम मज़ेदार सा नाश्ता हम बनाएंगे, और साथ में अभी हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, और उसके साथ में अभी हम डालेंगे ऑर्गेनो, थोड़ा सा ऑर्गेनो भी डालेंगे। फ्लेवर इससे बहुत ज़्यादा यम्मी आता है, बहुत बढ़िया सा टेस्टी से बनेगा। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्च, तो तीखा भी होगा। और हरी मिर्ची हमने 2 हरी मिर्ची बारीक काट के डाल दिया है, और साथ में डाल देंगे इतना धनिया। तो ये कुछ मसाले ऐसे हैं जिनको हम डाल देंगे पानी में। और साथ में अभी हमने लिया है 1 कटोरी सूजी। तो आज हम सूजी का नाश्ता बनाएंगे जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। 1 कटोरी में पूरे घर के लिए नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी सी सूजी हम डालते जाएंगे और कलछल से घुमाते जाएंगे। इससे क्या होगा ना कि ये गुठलियाँ इसमें नहीं बनेंगी, जैसे बन जाती है ना, तो वो नहीं बनेंगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से थोड़ा सा हम घुमाते हुए इस तरह से, क्योंकि ये सूजी है, सूजी फूलती बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, इसमें हमने कोई सोडा वगैरह नहीं डाला है, कोई सोडा नहीं, क्योंकि सूजी अपने आप में ही इतनी ज़्यादा फूल जाती है, तो सोडा की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे तो नहीं लगता है कि ज़रूरत पड़ती, हर चीज़ में सोडा तो नहीं डाला जा सकता। तो अभी इसको अभी गाढ़ा गाढ़ा सा ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया है, और सूजी काफ़ी अच्छी फूल गई है, और एकदम तीखा तीखा सा हमारा चटपटा सा नाश्ता बनेगा, और झटपट बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है, देर नहीं लगती। तो गैस हमने ऑफ कर दिया है, और अभी हम निकाल के कढ़ाई में इसको हम कढ़ाई से भी डाल देंगे थाली में। तो थाली में रख देंगे थोड़ी देर, ये ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने के लिए इस तरह से हम निकाल देंगे कढ़ाई से। तो अभी हम फैला देते हैं, ये 5-7 मिनट में ये हमारा सूजी है ना, सूजी का बैटर ये ठंडा हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते, हो गया है 5 मिनट के बजाय 10 मिनट हो गया है, मैं कुछ और काम करने लगी थी, तो 10 मिनट हो गया है। अभी हम देख लेते, ठंडा हो गया है सूजी हमारी, बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इसको थोड़ा सा माटे जैसा ना हाथ में तेल लगा के सब थोड़ा सा गूंद लेंगे। सारे मसाले तो इसमें मिक्स पहले से ही हो गए हैं, बस हमें थोड़ा सा मिलाना है, हल्का सा। अभी भी नीचे गर्म है, तो क्योंकि बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ, हल्का हल्का सा अभी भी गर्म है थोड़ा। और इस तरह से इसको हम आटे के जैसा ना बना लेंगे, जैसे ऐसे ना गूंद के, इस तरह से हमने तैयार कर दिया है। अच्छे से इसको फेंट भी दिया है, जिससे हमारे जो बड़े बनेंगे ना, तो वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के बड़े, नाश्ते में यही बनाएंगे। 1 कटोरी की सूजी में हमारा पूरा घर का होगा, सभी के लिए पर्याप्त है इतना। तो इस तरह से हाथ में हल्का सा तेल लगा के, और इस तरह से हम गोले बना लेंगे पेड़े जैसे, और पेड़े जैसे बना के इसमें बड़े का शेप दे देंगे, और इसमें इस तरह से गड्ढा कर देंगे उंगली से। इस तरह ये बड़े का शेप हमारा बन गया है, तो हम सारे बड़े हैं ना इस तरह से ही बनाएंगे। एकदम चटपटा सा नाश्ता, और बहुत जल्दी बनने वाला है, फटाफट से बन जाता है। मैंने तो 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, वरना ये 2-3 मिनट में ठंडा हो जाता है, हल्का ठंडा हो जाता है, और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। सूजी कब कोई भी बनाओ तो फूल जाती है, और इसमें सोडा वगैरह नहीं पड़ता है, मैं तो नहीं डालती हूँ। तो इस तरह से सारे वड़े मैंने बना लिए थे, जो बचे हैं वो भी बना लूँगी। तो अभी अभी मैंने इतने बनाए हैं, और अभी हमने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अभी हम देख लेते, तेल हमारा गर्म हो गया, सरसों का तेल हमने लिया है। तो अभी हम कढ़ाई हो गई है काफ़ी गर्म, तेल काफ़ी गर्म हो गया है, और वड़े हैं ना एक एक करके अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तो कुरकुरे से एकदम हमारा नाश्ता ये तैयार हो जाएगा। तो इस उलट पुलट के वड़े को हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे, एकदम लाइट जैसे ना कुरकुरे से हो जाते हैं।
तो ऊपर से तो कुरकुरे हो जाते हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट रहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं इस तरह का नाश्ता। तो फ्रेंड्स इस तरह का नाश्ता ज़रूर बनाना चाहिए। हमेशा पूड़ी पराठा पकौड़े के अलावा भी बहुत से नाश्ते होते हैं, इस तरह से बना लेना चाहिए, चटपटे होते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं। तो हम सारे वड़े ना इसी तरह से फ्राई कर लेंगे बना के। सूजी के हो या दाल के, ज़रूरी नहीं कि हम दाल के ही वड़े बनाएं, तो इस तरह के सूजी के भी बना सकते हैं और राइस के भी बना सकते हैं, जैसे चावल का आटा होता है ना, उसके भी हम इसी तरह से वड़े बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे वड़े ना बना बना के इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बनाते जा रहे थे, फ्राई करते जा रहे थे। तो काफ़ी अच्छे गोल्डन एकदम से बढ़िया से हमारे बड़े फ्राई हो गए हैं। फ्रेंड्स इस तरह से बनाने के एक बार ट्राई ज़रूर करना, और कैसे बने हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आप लोगों से शिकायत है कि कमेंट वगैरह नहीं करते हैं। तो ये हमारे बड़े देखो हो गए तैयार, और टोमेटो सॉस और हरी धनिया की चटनी के साथ तो यम्मी सा नाश्ता हमारा हो गया है तैयार, बढ़िया सा। तो सभी लोगों ने खा लिया है, और अभी जो है तो अभी ये आप लोगों के लिए शेयर कर रहे हैं। तो ये देखो ऊपर से एकदम करारा सा और अंदर सा इतना मुलायम, ऊपर से कुरकुरा अंदर से सॉफ्ट। तो ये हमारे सूजी के वड़े हो गए हैं तैयार, नाश्ता आज का हमारा तैयार हो गया है। और मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, इन्जॉय करिए और फुल वॉच करिए प्लीज़।